हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और फ्रेश वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बनाई है डिस्क ब्रेक के लिए लाइट्स। तो गाइज, देखते रहिए इसे कैसे बनाना है और इसके लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत है। तो गाइज, सबसे पहले आपको ये मार्केट में से बाय कर लेना है। किसी किसी की साइकिल में पहले से ही लगा हुआ आता है, तो गाइज आप उसे भी हटा के उसमें लगा सकते हैं, या फिर आपको ये 25 रुपीज़ का मार्केट में मिल जाएगा। फिर गाइज आपको ये 4 रुपये की मार्केट में से इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे से ये LED मिल जाएगी और ये आपको बाय कर लेनी है। फिर दोस्तों, इस LED को हमें यहाँ पे लगाना है, तो इसे लगाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक होल करना होगा शोल्डिंग आयरन से, या फिर आप किसी चीज़ को भी गर्म करके इससे होल कर सकते हैं। फिर गाइज आपको ये LEDs के ऊपर लगानी है, तो इस लाइट के साइज़ के हिसाब से आपको होल करना है और इस तरीके से करना है कि ये लाइट पूरी इसके अंदर चली जाए और ये जो है इसके ऊपर अच्छी तरीके से बंद हो जाए। तो लाइट्स में हमें वायर लगाने हैं, तो आप 2 वायर ले सकते हैं छोटे साइज के, और लाइट्स के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स में आपको ये दोनों वायर लगा देने हैं। पहले हम इन वायर्स को लाइट्स के ऊपर लपेट देंगे, फिर बाद में इनके ऊपर हम शोल्डर कर देंगे। तो सबसे पहले हमें ये दोनों वायर लगा लेने हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस टाइप की वीडियो आपको हमारे चैनल पर बहुत सारी मिल जाएंगी। और चलिए, इसके वायर हमने इसके ऊपर लपेट दिए हैं, और ज़्यादा अच्छी तरह से फिक्स करने के लिए हम इनके वायर पर शोल्डर कर सकते हैं, या फिर बिना शोल्डर के भी आप काम चला सकते हैं। चलिए, इस लाइट्स को और वायर्स को अच्छी तरीके से इसके अंदर लग जाए, तो इसलिए हमने इस होल को थोड़ा और बड़ा कर लिया है, और फिर ये लाइट इस तरीके से इसमें फिट हो गई है, और ये इसके ऊपर इस तरीके से स्लाइड करके इसे हम बंद भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, ये बंद हो गया है और हमारी जो लाइट है वो रेडी हो गई है। चलिए एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रही है नहीं। तो गाइस देखिए, हमारी LED जो है वो जल रही है, और सिर्फ हमने इसमें सिंगल LED ही लगाई है। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं, और हमें एक और चीज़ बनानी है अपने ब्रेक्स के लिए। तो गाइज, उसके लिए आपको एक मोबाइल का कवर लेना है जो आपके पास ख़राब पड़ा हो, और फिर उस पर इस तरीके से ये चीज़ आपको ड्रॉ कर लेनी है। तो चलिए दोस्तों, इसे सीजर से कट करके बाहर निकाल लेते हैं। चलिए, हमने इसे कट कर लिया है, और इस शेप को हमें अच्छी तरीके से कट कर लेना है। चलिए, ये कट हो चुका है, और फिर हमें एक इस तरीके से मेटल शीट लेनी है। आप इसे ज्योमेट्री बॉक्स में से कट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई टिन का डिब्बा पड़ा हो उसमें से भी आप कट कर सकते हैं इसे। दोस्तों, इसे कट करने के बाद आपको इसे इसके साइज का ही कट करना है, और फिर उसे बीच में से भी कट कर लेना है। और आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो मेटल शीट हम इसके ऊपर इस तरीके से लगाएंगे वो सिर्फ आधे में ही आनी चाहिए। और फिर हमें 2 वायर्स लेने हैं छोटे साइज के, और ये वायर्स हमें मेटल शीट के ऊपर लगाने हैं, एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ। तो इस मेटल शीट को पहले हटा लेंगे इसके ऊपर से। तो इस वायर को इसके अंदर लगाने के बाद फिर हम ये इसके अंदर डाल देंगे, और डालने के बाद इसे प्लास्टिक से अच्छी तरह से दबा देंगे ताकि ये बाहर ना निकले, और ये वायर भी इसके ऊपर अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। फिर दूसरा भी हमें इसी तरीके से लगाना है, उसे भी पहले मोड़ लेंगे, और फिर वायर को इस तरीके से मोड़ने के बाद इसके अंदर डाल देंगे, और फिर
इसे भी प्लास से अच्छी तरीके से दबा देंगे और ये भी हमारा अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों जो ये हमने चीज़ बनाई है ये हमारा एक स्विच की तरह काम करेगा जो हमारी ब्रेक लाइट्स को ऑन या ऑफ करेगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से हमें अपने लाइट्स के साथ और बैटरी के साथ लगाना है और ये किस तरीके से काम करेगा। तो गाइस सबसे पहले आपको बैटरी का एक वायर लाइट के साथ फिक्स कर देना है और देखिए जब हम ये दोनों वायर टच करते हैं तो लाइट जल जाती है। तो जो हमने बनाया है इसे इसका एक वायर हमें इस वाले वायर पर लगाना है और दूसरा लाइट वाले वायर के साथ। और जैसे ही ये दोनों प्लेट्स आपस में टच होंगी इस तरीके से तो ये लाइट जल जाएगी। तो देखिए इस तरीके से काम कर रहा है और जैसे ही हम इन मेटल प्लेट्स को आपस में टच करते हैं तो लाइट जल जाती है। तो गाइस ये है हमारी साइकिल जिसके रियर डिस्क ब्रेक में हम ये लाइट लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले हमें एल की लेनी है और इसके ब्रेक के वायर्स को खोल लेना है इस तरीके से और ये वायर जो है हमें बाहर निकाल लेना है पूरा। और फिर हमें ये अपना जो स्विच हमने बनाया है इसे लेंगे और फिर इसमें यहाँ पे हम होल कर लेंगे मेटल प्लेट के नीचे यहाँ पे। और गाइज एक जो होल है वो छोटा होना चाहिए और एक जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो जो बड़े वाला होल है उसे हमें आगे रखना है और छोटे वाला होल पीछे रखना है। और गाइज आपको ये ध्यान रखना है कि जो पीछे वाला होल है इस ब्रेक में वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए। और फिर हमें इस वायर को फिर से ब्रेक के अंदर लगा देना है और जो ब्रेक है उसे पहले की तरह टाइट कर देना है जैसे पहले था। तो चलिए दोस्तों जो ब्रेक है वो टाइट हो चुका है और इस तरीके से मेटल शीट आपस में टच हो जाएंगी तो लाइट जलेगी। और ये हैं इसके दोनों वायर्स। तो गाइस जो लाइट है वो हमें सीट के नीचे लगानी है तो इन वायर्स को लंबा करें हमें वहाँ तक ले जाना होगा। तो उसके लिए हमने ये वायर लिया है जो कि वहाँ तक पहुँच जाएगा आराम से। तो इन दोनों वायर्स में हमें ये दोनों वायर्स ज्वाइन कर देने हैं और फिर इनके ऊपर हम टेप लगा देंगे। और अब हमें ये वायर्स इस ब्रेक के वायर के ऊपर लगाना है और इसके ऊपर टेप लगानी है और इस वायर को ब्रेक के वायर के साथ साथ हमें साइकिल के सीट के नीचे तक ले जाना है। तो चलिए इन टेप को इसके ऊपर लगाते हैं और इसे सीट के नीचे तक ले जाएंगे वायर को। तो गाइस जो ये वायर है इन्हें हमने चिपका लिया है और अब हमें अपनी ब्रेक लाइट लेनी है और इसे पीछे साइकिल के सीट के नीचे यहाँ पे लगा देना है। और चलिए अभी इसमें पैच लगा के इसे टाइट कर देते हैं। तो गाइस चलिए ये लाइट जो है अपनी जगह पे टाइट हो गई है। और फिर गाइस हमें इस टाइप की एक बैटरी लेनी है, आप दूसरी बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास हो 9 वोल्ट की या फिर 4 वोल्ट की, जो भी है आपके पास आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो गाइस जैसे कि हमने पहले इसका कनेक्शन किया था बैटरी का एक वायर डायरेक्ट हमें लाइट के साथ लगा देना है और फिर उसके ऊपर पहले हम टेप लगा लेंगे। टेप लगाने के बाद फिर जो हम जो ये ब्रेक के पास से दो वायर लाए हैं हमने, एक वायर उसे बैटरी के साथ लगा देंगे और इसका दूसरा वायर जो है वो लाइट के साथ लगा देंगे। और फिर इन वायर्स के ऊपर हम टेप लगा देंगे ताकि ये वायर आपस में टच ना हो
तो गाइस जो ये वायर है वो तो हमने कनेक्ट कर दिए हैं, पर गाइस अभी जो ये बैटरी है वो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, पर मैंने जो ये बैटरी है वो सीट के नीचे लगा दी है। आपको जहाँ अच्छा लगे आप उसे वहीं लगा सकते हैं। और गाइस अब इन वायर्स को हम फिक्स कर देंगे, जो फालतू के वायर हैं हम उन्हें इस तरीके से चिपका देंगे अच्छी तरीके से। तो दोस्तों अगर आपको दूसरे टाइप के ब्रेक के लिए वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं, आपको हर तरह के ब्रेक के लाइट की वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको टर्निंग सिग्नल्स की और हजार्ड लाइट की वीडियो चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पे है, जिसमें हमने ब्लिंकिंग सर्किट भी लगाया है, वो भी आपको हमारे चैनल पे उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो गाइस यहाँ पे हमने बैटरी लगाई है, ये है हमारी लाइट, और यहाँ से हमने वायर ले गए हैं और फिर यहाँ से ब्रेक तक लाया है, और फिर ये दोनों वायर जब हैं आपस में टच होंगे तो लाइट जल जाएगी। तो चलिए एक बार इसे सड़क पे टेस्ट करके देखते हैं कि किस तरीके से जलेगी। तो गाइस जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये लाइट जल जाएगी, और ये नाइट में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और बहुत ही अच्छा लगता है जब ये जलती है। तो गाइस इसी तरीके से आप भी अपनी साइकिल में इस लाइट को लगा सकते हैं। और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और बेल आइकन।